जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एमसीएमसी टीम के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि सभी टीम पूरी निष्ठा के साथ और मेहनत से कार्य करे तथा किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में आपका विशेष योगदान है। एमसीएमसी समिति प्रत्याशी के व्यय पर निगरानी रखते हुए उसकी रिपोर्ट व्यय निगरानी समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा सभी आरओ भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के व्यय पर निगरानी करे। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, उप जिलाधिकारी गढ़, अपर नगर मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी, सदस्य सचिव एमसीएमसी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव सहित सोशल मीडिया एक्सपर्ट, संवाददाता एएनआई उपस्थित रहे और उसको ऑब्जर्व करते रहिए और इसमें सटल चीजें भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। कोई ऐसी खबर ना आए, कोई एडिटोरियल ना आ जाए जिसमें ये लगे कि पेड न्यूज है। और शुरू में ही अभी हम हावी टीम बनाइए, उनको भी जोड़ लीजिए ताकि वो देखते रहे। जो भी शिकायतें आती है उसको आप इस कमेटी के सदस्यों से मार्गदर्शन लेते हुए उसमें आप क्या पुट अप करिए। ऐसा ही उसमें ये ना सोशल मीडिया का क्या अरेंजमेंट, इसमें अपना पुराना अनुभव बता रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वर होते हैं वो देखने भी जाते हैं। तो आप अपने जितनी टीवी वगैरह लगा रहे हैं जहाँ पे भी बनाए अच्छा सा हो, अगर ऑब्जर्वर लाए तो बैठ के उसमें तो टीवी आपको एक हम लगवा देते हैं आपके यहाँ ना एक सोशल मीडिया का ये कपड़ा साइबर सेल है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए देखते रहे। कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उनको पता भी है, साइबर सेल काफी एक्टिव है यहाँ पे, कि कौन से प्राधिकरणों के तहत उन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अगर पेड न्यूज के गाइडलाइन एमसीएमसी के अगर हमारे 144 के आदेश में नहीं है तो एक कॉलेगेंडम जारी हो जाए। एमसीएमसी के गाइडलाइन भी उसमें सम्मिलित करते हुए एक कॉलेगेंडम आप एडीएम सिटी और एसपीओ से बात करके उसको जारी करवा दीजिएगा। तो एक तो ये हो गया। तीसरा ये है कि जो हमारे मीडिया के लिए जो पोलिंग के दिन काउंटिंग के दिन क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह इंतजाम रहेगा, इसकी कार्ययोजना अगली बैठक में आप पुट अप करिए मेरे सामने। और इलेक्शन के दिन भी उनको इसके अंदर तो जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कैसे कवरेज करनी है लगातार वह कवरेज के बारे में रहेगा, उसके पूर्व में यहाँ क्या व्यवस्था रही है, क्या कहाँ क्या हमें देना है, वो हमें करना पड़ेगा व्यवस्था। उसमें करके आएंगे ताकि हमारी पारदर्शिता बनाए रखे। और नॉमिनेशन के दौरान फोटो ले जाते हैं सर, तो वही पूरा सेटअप होना चाहिए, आरओस को पता होना चाहिए क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। वहां की पुलिस ब्रीफिंग एक दिन पहले नॉमिनेशन के पहले हम लोग ब्रीफिंग करेंगे। हमें नॉमिनेशन में ड्यूटी लगती है।